हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कालंद्री पुलिस थाना में जिला पुलिस अधीक्षक ने ली सीएलजी सदस्यों की बैठक। नागानी शनिवार शाम को जिला धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कालंद्री पुलिस थाना में सीएलजी सदस्य व थाना हलका के गणमान्य लोगों की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने थाना क्षेत्र के लोगों से जानकारी लेते हुए विभिन्न कानूनी जानकारी साझा करते हुए लोगों को क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और बाहर से आने वाले लोगों का पुलिस सत्यापन करवाने तथा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने तथा आम जन से पुलिस के कार्यों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है और जनता को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। इस दौरान एसपी लोगों से रूबरू होते हुए सवाल जवाब किए, साथ ही क्षेत्र की जन समस्याओं को तत्काल समाधान करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही मुखबिर तंत्र को और मजबूत करने व हर बीट स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं का आदान प्रदान करने की बात की। समाज सेवी दीपाराम पुरोहित ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदात पर रात्रि गश्त को और मजबूत करने व रेवदर डीएसपी हलका कालंद्री से 50 से 60 किलोमीटर दूर बताते हुए सिरोही डीएसपी हलका से जोड़ने की मांग करते हुए, सिरोही मात्र 18 से 20 किलोमीटर है, साथ ही क्षेत्र के लोगों से सभी प्रशासनिक कार्य सिरोही से ही होते हैं। इस पर एसपी ने प्रपोजल बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजने की बात की तथा महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा ने कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का सुझाव देते हुए वो बजरी खनन व परिवहन पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने की बात पर एसपी ने जांच करवाने की बात की। साथ ही अवैध शराब पर एसपी ने कहा कि सादे कपड़ों में जिले की स्पेशल टीम द्वारा लगातार जांच व कार्यवाही की जा रही है। साथ ही कुछ दिन पहले फाचरिया में बदले की भावना को लेकर करीब दर्जन भर पुलिस कर्मियों ने एक ट्रैक्टर को पकड़कर चालान बनाने की कोशिश की, मगर बहुत से ट्रैक्टर और बजरी परिवहन पर कार्यवाही नहीं करना बदलने की भावना को स्पष्ट दिखाई रहा है और उस व्यक्ति ने कुछ दिन पूर्व ही मासिक बंदी लेने का आरोप लगाकर उच्च अधिकारी व एसीबी वाद पेश किया था और उसके पश्चात लगातार उसको ही अकेले टारगेट परेशान किया जा रहा है, जबकि अन्य को नहीं, जो स्पष्ट भेदभाव कालंद्री पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल या निशाना लगा रहा है। जिला सीएलजी सदस्य सुरेश पुरोहित जुगनू ने सिलदर चौकी में रिक्त पद को भरने व कालंद्री पुराना पुलिस थाना में चौकी स्थापित करने की मांग की। साथ ही पिछले दिनों कालंद्री, तंवरी, चडुवाल, फाचरिया तंवरी, नून सिरोड की तथा गत वर्ष मामावली सिलोया और फाचरिया गांव में हुई सिलसिलेवार चोरी की वारदात को एसपी से खोलने की मांग की। साथ ही कालंद्री थाना क्षेत्र में लगातार व कालंद्री तंवरी सिलोई में हुई दिन दहाड़े बाइक चोरी को काफी समय बीतने के पश्चात भी वारदात नहीं खुलने से दुख जाहिर जल्द खोलने की मांग की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने लोगों की कीमती सामान, ज्वेलरी व पैसे आदि बैंक लॉकर में रखने की बात की। रेवदर डीएसपी नरेंद्र सिंह देवड़ा ने विभिन्न कानूनी जानकारी देते हुए आमजन को जागरूक करते हुए क्षेत्र में फेरी वाले या आमजन व्यक्ति आने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की। मौजूद लोगों ने वर्तमान में जिला पुलिस का अच्छा प्रदर्शन करने पर एसपी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष कमलेश पुरोहित, खीम सिंह परमार, पाड़ी सरपंच देशाराम मेघवाल, पवन देवासी, रतन माली, कांतिलाल लुहार, जगदीश माली, नाथू देवासी, रतन प्रजापत, निर्मल मेघवाल, दिलीप नागर, रतनलाल प्रजापत आदि मौजूद रहे। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।